हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, शहनाज और गुरु रंधावा का कल गाना आता है सनराइज। इस गाने को देखने के बाद यकीनन सभी ने कहा ये तो मानो BTS है, ये तो मानो जैसे दोस्ती होती है रियल लाइफ की, वैसा कुछ है। और सच में वैसा ही था, दोनों की दोस्ती दिखाई गई थी। और शहनाज ने जैसा कि कहा भी था कि ये गाना हमारे दिल के बहुत करीब है और ये वो फीलिंग है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वैसा ही कुछ इस गाने के ज़रिए दिखाने को मिला। दोनों ने बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं की थी, रियल लाइफ लग रहा था, सब कुछ रियल लग रहा था और दोनों बहुत साथ में खुश भी नज़र आ रहे थे। लेकिन शहनाज ने एक और बड़ा इशारा दे दिया है, एक और बड़ा हिंट दे दिया है। क्या आया है मामला आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें टू गेट लेटेस्ट ऑल अपडेट्स। शहनाज कल ट्विटर पे ऑनलाइन आती हैं और वो अपने फैंस से बात करती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं, सॉन्ग्स के बारे में बात करती हैं, बर्थडेज पे बात करती हैं कि उनका कोई भी प्लान नहीं है। और उन्होंने कहा ये तो व्लॉग है, शहनाज फैंस ने कहा। तो उन्होंने कहा जब MV बनाते हैं तो आप लोग BTS मांगते हो, इसलिए BTS ही बना लिया हम लोगों ने। फिर फैंस ने पूछा अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, एक हिंट दो। तो शहनाज ने कहा मेरे चैनल पे मेरा अकेली का गाना, यानी कि शहनाज का सोलो सॉन्ग आने वाला है, वो उनके खुद के ऑफिशियल चैनल पे, जो कि शहनाज का यूट्यूब चैनल है, जिस पे ये गाना आएगा। और उम्मीद फैंस कर रहे हैं कि वहम जैसा कुछ तड़कता भड़कता सा आना चाहिए। कि आप भी वहम जैसा सॉन्ग चाहते हैं शहनाज गिल से, क्योंकि वो गाना सुपर डुपर हिट रहा था उस समय।